एक बड़ी खबर पर गौर कर लेते हैं। ब्लैक सी एपिसोड पर अमेरिका का बड़ा आरोप सामने आया है। क्रेमलिन से मिली ड्रोन को गिराने की मंजूरी, रशियन हाई लेवल अथॉरिटी की मंजूरी के बाद ही ये अटैक हुआ है। अब रूसी एक्शन के बाद टकराव की स्थिति है। अमेरिका पल्ला झाड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये सीधे तौर पर कन्फ्रंट नहीं करेगा, क्योंकि ये हालात चीन जैसे ज्यादा लग रहे हैं। चीन को कॉपी करने की कोशिश अमेरिका करता हुआ दिख रहा है। मतलब जिसकी चर्चा थोड़ी देर पहले हम लोग ये कर रहे थे कि ये असाधारण घटना है, और जितना साधारण इसको दिखाने की कोशिश की जा रही है, बात उतनी नहीं है। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि क्रेमलिन मतलब पुतिन से परमिशन मिलने के बाद ही उसके ड्रोन को मार गिराया गया, जो कि इंटरनेशनल स्पेस पे उड़ान भर रहा था। और इस बात को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। क्या कुछ होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि दोनों देशों के प्रतिनिधि इसको लेकर आपस में बातचीत तो कर रहे हैं, उसके बाद तनाव घटता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आरोप और प्रत्यारोप दोनों देशों में जमकर चल रहे हैं। रशिया इन आरोपों से इनकार कर रहा है, जबकि अमेरिका यह कह रहा है कि पुतिन ने ही आदेश दिया कि उसके अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया जाए, जो कि इंटरनेशनल स्पेस में उड़ान भर रहा था और उस वक्त उसको निशाना बनाया गया। देखिए अब क्या कुछ कहा गया है। अमेरिकी ड्रोन को गिराने की मंजूरी सीधे क्रेमलिन से मिली है, अमेरिका ने साफ तौर से आरोप लगा दिया। ड्रोन गिराने की मंजूरी रशियन लीडरशिप की ओर से दी गई, मतलब निशाने पर पुतिन है। पूरी योजना के साथ MQ-9 रिपर ड्रोन के प्रोपेलर को नष्ट कर दिया गया। रूस का एकमात्र इरादा अमेरिकी ड्रोन को नष्ट कर देने का था, जो कि यूक्रेन के लिए जानकारी जुटा रहा था। रूस अगर इसे पायलट का एरर कहता है तो यह बिल्कुल गलत होगा, यह पायलट का एरर नहीं था। जानबूझकर उसके विमान को निशाना बनाया गया और निशाना बनाने के बाद उसको जमींदोज कर दिया गया। यह बड़ा सवाल है और यह आरोप लग रहा है। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। राठौर सर, जितनी बात साफ ये दिखती है, क्या सिर्फ इतनी है, या फिर वो सच जो अमेरिका दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है कि रशिया ने जानबूझकर उसके विमान को गिराया और इसकी मंजूरी बाकायदा पुतिन ने दी, उसके बाद ही अमेरिका पर हमला किया गया, क्योंकि अमेरिका पर रशिया ये जानता था यह हमला अमेरिका अपने ऊपर लेगा और इससे टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। देखिए, रूस पिछले एक साल से युद्ध में है, युद्ध की स्थिति में है, युद्ध लड़ रहा है, तो ये कहना कि इसके आदेश क्रेमलिन से आए ये गलत है। वहाँ पर कमांड कंट्रोल सिस्टम होगा थिएटर का, और रशिया ने पायलट ने इसको देखा, इसने रिपोर्ट की और उसको जो आदेश मिला, इसके लिए पुतिन के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक मेरा सवाल है छोटा सा, जो आप पहले कह रहे थे, क्या ऐसा नहीं लग रहा ये अमेरिका की चाल है चीन की तरह? चीन ने पहले कहा कि ये एक वेदर अपडेट था, इसलिए हमने बलून यहाँ पर छोड़ा। ऐसे ही ड्रोन जो कि बहुत पोर्टेबल्स होते हैं, उनके जरिए निगरानी करना आसान होती है, क्या अमेरिका इसी चाल को नहीं खेल रहा? MQ-9 रीपर ड्रोन पूरी दुनिया में अमेरिका ने सिर्फ टैक्टिकल गेंस के लिए, ISR के लिए और ऑफेंसिव एक्शन के लिए इस्तेमाल किए हैं। बैलून की तरह उसको नहीं पोर्ट्रे कर सकते। अगर वो ब्लैक सी में उड़ रहा था तो वो जाहिर सी बात है यानी कि साफ तौर पर उस वॉर जोन में था। वो वॉर जोन है जहां पर मॉस्कोवा, मकारोव, ये दोनों जो फ्लीट्स में दोनों जहाज है वो उड़ाए गए थे, और इसका बड़ा नुकसान रूस को हुआ था।